हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आसिफ आज़ाद में। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे आरजीबी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहा था, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत से स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, क्योंकि जो गोपी कोटीवाल सर है वो एक वीडियो अपलोड किए हैं अभी, जिसमें दोस्तों वो साफ साफ बता चुके हैं कि जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली थी वो अब ऑनलाइन होगी, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल था वो भी मान चुका है। तो दोस्तों, आपको चलिए ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ गोपाल कोटवाल भोपाल से। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वीसी सर ने हमारी मांगे मान ली है और एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। यह आपकी जीत है, सभी छात्रों की जीत है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जिन छात्रों ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे मदद किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम 10 तारीख 12 तारीख 14 या 20 से हैं, उन सबको आज यह नोटिस जारी हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं और पोस्टपोन हो रहे हैं। तो यह जीत आपकी जीत है, यह जीत छात्र शक्ति की जीत है। आखिरकार सरकार और वाइस चांसलर को झुकना पड़ा और हमारी मांगों को मानना पड़ा। आप सभी के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र शक्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो गोपी कोटीवाल सर है वो बता चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगी और जो नोटिस था वो आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगा। जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम 13 दिसंबर से या फिर 10 दिसंबर से होने वाले थे वो अब नहीं होंगे। उसका जो नोटिस है वो आरजीपी भी अपने वेबसाइट पर आज या कल तक अपलोड कर देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।